नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सियासत में बवाल। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से किया सवाल, पटाखों के होने वाले प्रदूषण का सबूत दिखाए केजरीवाल। और पटाखों पर प्रतिबंध रोकथाम के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। GRAP 1 भी आज से दिल्ली में लागू, नियमों में बढ़ती जाएगी सख्ती। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सियासत में बवाल। और ऐसे में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सवाल किया, पटाखों से होने वाले प्रदूषण का सबूत दिखाए केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, और ऐसे में पटाखों पर प्रतिबंध रोकथाम के लिए कोई वैज्ञानिक अधिकार नहीं। GRAP 1 भी आज से दिल्ली में लागू। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में लगातार सियासत गरमाई हुई है, और ऐसे में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ ज्यादा अपडेट? अब बढ़ना चालू हो गया है, जिसके वजह से दिल्ली सरकार ने जो है पटाखों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया है। इससे पहले जरूर गाइडलाइन जरूर जारी की गई थी 17 सितंबर को, लेकिन तब दिल्ली पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय, उनकी तरफ से कहा गया था कि LGBK सक्सेना की तरफ से जब तक मंजूरी नहीं आ जाती तब तक पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और कल जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद LG ऑफिस से भी जो है उनको मंजूरी मिल चुकी है, और अब पटाखों पर प्रतिबंध का एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि आज से लेकर आने वाली 1 जनवरी तक दिल्ली में पूरी तरह से पटाखे बैन रहेंगे। इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल किए गए हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं और काफी तंज कसा है कि क्या पटाखे बैन करने की बात जो है उनको पहले याद क्यों नहीं आती। जब जब हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स आते हैं तभी पटाखे बैन क्यों किए जाते हैं, ऐसा दिल्ली वाले सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है आम आदमी पार्टी से। साथ ही साथ दिल्ली में आज से GRAP 1 भी जो है वो लागू हो जाएगा, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत जो पहला चरण है, इसमें काफी सख्ती बढ़ती जाएगी। काफी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर काफी जो है नियमों का पालन करना होगा। 500 मीटर से अगर 500 वर्ग मीटर से अगर कोई ज्यादा की कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहां पर काम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सड़कों पर जो है लगातार पानी का छिड़काव किया जाएगा, और भी कई सारे इसमें जो है नियम वो फॉलो किए जाएंगे, और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ऐसे में अब पटाखों पर बैन जो है ये काफी अब राजनीति तुल भी पकड़ रहा है, क्योंकि लगातार हर साल दिल्ली में दिवाली के टाइम जो है पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा, और पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के इन सवालों पर कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ने देर रात को एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके सवाल उठाए हैं, जिसमें बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी के दिल्ली के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, इन दोनों ने अपने अपने बयान जारी करे हैं। और अब इंतजार है आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं, क्योंकि हर बार यही चीज देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी यही कहती है कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, जो कि दिल्ली वासियों के लिए काफी जरूरी है। और भाजपा लगातार ये कह रही कि मात्र 4 से 5 घंटे पटाखे फोड़ने से प्रदूषण में कोई बढ़ोतरी होती है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने जितने भी नियम लागू किए हैं वो सभी वैज्ञानिक तौर पर, उन पर कोई भी तुक नहीं है, सभी इलॉजिकल है। जी विशाल।